आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो साथियों हमारे साथ है पूनम और हमारे माता जी। और साथियों आज हम जा रहे हैं नर्मदा नगरी चकदही के मेला। तो साथियों हम जाते हैं मेला कैसा लगा है, पिछले वर्ष गए थे हम लोग, तो इस वर्ष भी जाते हैं किस तरह से लगा हुआ है और कैसा है। तो गाइस वीडियो में रहिए, बताया जाता है कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा लगा है, तो देखते हैं कैसा लगा है मेला। गाइस हम पहुँच चुके हैं रोड में और देख सकते हो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। पर भाई एक बात के दुख है, लगभग 8 से 7 साल हो गए ना हमारा जो रोड है रिप्टा और मेहंदवानी रोड, भाई इसके काम जारी नहीं है। कैसे मैं कि यार भाई बहुत ज़्यादा दुर्घटना होते हैं यार, इसलिए भाई इस साइड जाने बड़ा तकलीफ होते हैं, पर क्या करें। हमारे पूनम का है कि यार इस वर्ष भी चले, पिछले साल गए थे, तो हम चलते हैं तो दिखाते हैं हम लोग। और मुझे मिला था ये, इसका नाम नवीन, और हम लोग जा रहे हैं मेला। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं मुंडी मरवारी पहुँच चुके हैं। गाइस मरवारी से जस्ट लगा हुआ है मैया जी, और दिखाते हैं हम लोग वहाँ के नज़ारा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ से। और यहाँ आप लोग देखेंगे गाड़ी वाड़ियाँ सब है। अभी दोस्तों आज बताया जा रहा है कि आज कुछ कम है, नहीं कल बहुत। तो साथियों आप लोग देखे हमारे पहले वीडियो जो कि अमरकंटक वाली वीडियो, अमरकंटक से माई नर्मदा आती है और इधर आके बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों आप लोग आगे का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने की वजह से मुझे बराबर शूट करने के लिए नहीं बन पा रहा है। तो गाइस वीडियो बनी रही है, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है मड़ई मेला चकदही का। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम चकदही के मेला, और साथ ही अब जस्ट इंटर करते हैं। कुछ आज खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज बाज़ार जैसा लग रहा है। कल बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ था और आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो इस वर्ष फिर हमारे साथ पूनम जी, तो उस वर्ष थे हम डबल, आज इस वर्ष हो गए टेबल। गाइस कुछ इस तरह से है आज का मड़ई, और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आप मिठाइयाँ, मड़ई का मेन चीज़ है मिठाई, मिठाई ज़्यादातर मिलते हैं मड़ई में। और तो साथियों कुछ इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है पर खाली खाली है यहाँ, और इस तरफ जूते चप्पल इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस तरफ कुकरी कुकरी मिठाई और बहुत सारी चीज़ें। तो साथियों वीडियो बने रही है, दिखाते हैं आप लोगों को और भी आगे जा सकते। तो ये कहाँ का आदमी मिल गया मेरे को पता नहीं। तो दोस्तों मेरे को मेरा जीजा मिल गया है ये, और रखा है रजाई, और मामा जी हमारे साथ। तो आज फिर से कैसे मैं आज कान रखी है साजी? बस कुछ नहीं रखा, बस रजाई रखी, बुज्जी उज्जी रख लीजिए, बुज्जी नहीं रखा। तो साथियों यार पैसा माजी के पास बहुत है, 2 दिन से आ रही, साथ तीसरा दिन लगता है। तो साथियों घूमते हैं यार, आज जी जैसे पान खाते हैं। दोस्तों मुझे अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, सोच रहा था कि कोई मिल जाए मुझे, पर हमारा जीजा मिल गया, तो कि आज फिर काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। हम आप हमारे पहले की वीडियो में देखे होंगे जीजा को, है ना जीजा? तो मोर वीडियो देखते हैं, बहुत जन के नहीं देखे हैं, बताओ मज़ा आते नहीं आवे? मज़े आते, तो साथियों मज़ा आते हैं इसका जीजा, तो पता नहीं ठगा आते कि सही है। तो कैसे लीटर का कहा? 100 रुपये लीटर है, बढ़िया बढ़िया, बड़ा दिन बाद। सब जीजा बोल रही से पान खा ले, कहीं मड़े की मान पान जुगा मेला की मान कैसे किलो बना सामान भैया सर खा भी। तो दोस्तों ये भी खाऊ करते का ना, तो बता नाम बता ना, हाँ जोर से बताओ। नवीन, इसके नाम है दोस्तों नवीन, और ये छोटा बालक पान खाने के लिए जिद कर रहा है। गाइस हम आवत और पान खाए दोस्तों, तो जाते जाते कुछ इस तरह से देख सकते हैं नए नए टोपियाँ आए हुए हैं। तो कितने वाले दीदी वाली टोपी? 50 रुपये वाली टोपी है। आज का मेला है जो कि खाली खाली लग रहा है, और भाई अलग के अलग जा रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मड़े मेला जाने से जाते हैं तो सबसे पहले क्या खाते हैं, कहावत पूछते हैं, तो कहते हैं पान, तो नहीं भाई पान नहीं, धक्का, सबसे पहले धक्का खाते हैं उसके बाद पान खाते हैं। तो भाई धक्का खाने लगे आज कुछ है ही नहीं, बाजार जैसे लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं खाली खाली पूरा, पीछे तक देख सकते हैं क्या नज़ारा है। तो पहले कि आप वीडियो में देखे होंगे भाई, आने जाने के लिए जुगाड़ नहीं था बिल्कुल, धसका मुस्की आते जाते थे, इस तरह से जुगाड़ था। इस वर्ष भाई हल्का हल्का है कुछ। तो
दोस्तों एक भैया के पास आ चुके हैं। ये भैया कहाँ का भैया? तो चाय भी खैरी। चाय भी खैरी, आप भी हो साथ में उसके साथ। तो गाइस ये भैया लाया एक जबरदस्त रोटी, तो आप लोगों को दिखा था। नाम बता दिया और ये क्या है? वाला पापड़ी है। आप बनाए हो? कौन बनाया है? हम लोग बनाए हैं। हाथ से बनाते हो आप? खुद ही ना? और ये भी बनाया है। आप ही बनाए? जी, चिप बोलते हैं। हाँ। ये पेठा बोलते हैं। मिठाई गोलगप्पा बहुत सुंदर। हाँ, ये नमकीन है, ये खजूर है। यो हमारे लोग भी अच्छे अच्छे दुकान बनाते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते हैं, जैसे मिठाई। आप भैया से मिला और बताए से भैया भी काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते हैं। तो गाइस यार आप भी भैया लोगों के पास सब खरीद सकते हो, अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते हैं, जो कि भाई हाथ से बनाए कुछ और होता है ना भैया। और जैसे अपन दुकान वकान लेते हैं तो भाई वो दुकान वाले की बात अलग रखें, कब के नहीं कब की पैकिंग रखें। तो भाई भैया से संपर्क करो, चाबी साइड के हैं, और बिंदास खाओ। तो हमारी इस साइड जो कि सगदई साइड थोड़ी कम है, और हमारे रोड में जैसे मेहंदवान रोड में कुछ अच्छा से लगा है, तो आपको वहीं उसी तरफ ले चलते हैं, क्योंकि भाई इस तरफ खाली खाली है। कई देश का कहना 240 का। तो भैया हम पानी पी के आ गए ना, और हमारे भैया के पास था ना, टेस्ट करा भैया। जी भैया, कौन सी टेस्ट करना बताओ? कोई भी करा दो आपको, आपके हिसाब से हम वही वाले करा दो, थोड़ी से ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी टेस्ट कर देते हैं। भाई जो दुकान से खरीद था ना, उसी में ज़्यादा स्वादिष्ट है। हाँ दोस्त, घर का बना हुआ है दोस्त। घर का बना हुआ है भाई, बिल्कुल भाई की देख में बना हुआ है। वो तो भाई मशीन में फैक्ट्री में बनता है, ये भाई की खुद बनाया है। तो हम चकदही तरफ से अब लौट गए, कैसे में कि बस अड खाली खाली लगे दोस्त। हम अब जा रहे हैं हमारे मेहंदवानी रोड में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो, और भाई आप लोग आए हो कि नहीं आए हो हमारा चकदही मेला तो कमेंट कर जरूर बताना, और नहीं आए हो तो भाई एक बार आके देखो, बहुत अच्छा मेला लगता है। क्योंकि गाय संक्रांति के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है भाई, आवागमन में भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते हैं, जैसे रजाई के लिए भी बहुत फेमस है। बोल रहे थे कि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, और कहीं तक मेरा जवान लग गया है, और ये भीड़ बढ़ने लगा दोस्तों। देखो आवागमन भी धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं, और अच्छी अच्छी फिराक भी आए हैं। देखो गाय क्या क्या नाम बोलते हैं इनका पता नहीं, अच्छे अच्छे फ्रैक्स भी आए हैं। सारी चीज़ हम बदलेंगे नोट, तो गाइस कितने कितने में बदलते हैं अब लोग वीडियो में देखिए। चिरे फटे वाले भेजते हैं, कैसे कैसे बदलते हैं? साजो नोट है यार, एक एक नंबर खुलते हैं। और कहाँ सब लोग देख सकते हो, ये है हालत अभी चकदही मेला के, और धीरे धीरे भर आ रहा है गाइस। और यहाँ तरह तरह के रुमाल आए हैं, और साथ साथ बेल्ट्स लोग देख सकते हो, इस तरह से बारी की चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बेल्ट का दुकान है यहाँ, पूरा मनिहारी दुकान है। तो दोस्तों यहाँ से लगभग पूरा बेल्ट ही बेल्ट हैं, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस। और यहाँ देखो मेला के चिन्ह बहुत सारी चीज़ें आए हुए हैं, तो भाई आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी भीड़ भाड़ हो रहा है धीरे धीरे। तो भाई पिछले वर्ष की वीडियो में आप देखे होंगे कि पिछले वर्ष की वीडियो में बहुत ज़्यादा भीड़ था, और भाई आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। यो अब इस साइड हम खाली तरफ आ चुके हैं, और इस तरफ साथियों पूरा सब्जी मिलता है, जो कि सब्जी का मार्केट है। कैसी लीटर है सब्जी? 20 रुपये लीटर नहीं सर, ठीक है। तो साथियों कुछ इस तरह से है, ये तो गांव के अंदर चाहे गांव के जैसे लगते हैं। तो हाँ कहाँ के आते हैं? गजब है कि मान ला। कैसे कैसे किलो हैं? हाँ यार गोभी ज़्यादा देते बड़े ऐसे नहीं, बाकी सब सेम रेट है ना। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ तक पूरा लगा हुआ है, यहाँ तक पूरे सब्जी का बाज़ार लगा हुआ है इस तरफ, जो कि साथियों बहुत अच्छा मात्रा में लगता है यहाँ का मेला। संक्रांति के उपलक्ष्य में भी यहाँ लगता है मेला, बहुत अच्छा मात्रा में मेला लगता है गाइस। आप लोग आजू बाजू के हैं तो कृपया कर आए और मेला का आनंद लें। देख सकते हो मेरा जीजा दीदी इन्हें और हमारे पूनम जी। तो साथियों यहाँ से हमारा मड़े संपन्न हो गए इधर। तो वहाँ कैसे किलो बाबा? हमारे पूनम जी भी आए थे इस वर्ष भी, तो पूनम जी कैसे लग रहे हैं आपको बताने में इस वर्ष? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर इस वर्ष में नहीं लाता तो कैसा लगता आपको? गुस्सा हो जाती तो दोस्तों लगभग हमारे जहाँ शादी हुई है कहाँ ले, हर बार आते हैं, मतलब हर साल आते हैं मड़े मेला यहाँ के, क्योंकि दोस्तों मड़े तो आना नहीं हो पाता भैया, पर मेला आना हो जाता है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हम हर वर्ष आ पा रहे हैं, और
भाई आप लोग देख सकते हैं यार बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ गई। कैसे मैं कि सोचता रहा हूँ मैं कि भीड़ भाड़ नहीं हुई करके, पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे फिर से हम लकड़ा पे जी भाई चाबी मड़े में हमको मिला था, तो आज हमारे कुड़ापे जी की मड़े है मेला है। तो साथियों बहुत दिन बाद हमारे कुड़ापे जी भी मिले, कैसे में फ़ोन भी आजकल नहीं लगा हुए तो हमला दुख है। और सब बढ़िया जंगल झाड़ी मत यहाँ रहैया। तो ये हमारे अस्सी भाई जो कि हमारे पास मिनट में, हमारे भाई नाम बताया क्या नाम के राम पंद्राम, और हमारे साथ सुरेंद्र नेताम जो कि शायद तक सयाम सुरेंद्र सयाम उसके फ्रेंड मिल गए थे सारे, लेकर वो फटिया में लगा तो गाइस भाई तो गाइस मिलते हैं और आगे चलते हैं। सबसे महंगा साड़ी ये है 1900 रुपये। चले 1900 रुपये। अच्छा 1900 यहाँ पैसा की बात नहीं है, पसंद की बात है। पसंद सस्ता वाला भी आ सकता है, महंगा वाला भी आ सकता है ना भाई। गाइस सब लोग देख सकते हो ये हैं पूरे कपड़ा वपड़ा खरीद रहे हैं हमारे जीजा दीदी लोग और हमारे पूनम और हमारे बेटा। तो साथियों कुछ इस तरह से खरीदारी चल रहा है भाई। तो साथियों देख सकते हो ये इस तरह से हमारे बेटिया के लिए खरीद रहे हैं हम लोग, से ये देख रही है तो इसके ऊपर कितना फिट हो रहा है, कितना मैच कर रहा है देखो ये। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रही है। तो गाइस हम लोग भैया ढूंढने के बाद हमारे पवन दाऊ मिलिस जो कि आजकल बहुत दूर ये बना रहा है गाइस, हमसे बहुत दूर दूर हो रहा है दोस्तों इस वर्ष। तो कितना मारे थे आप बता? अभी आए। तो गाइस यार हमको पवन भी मिला जो कि देख सकते हमारे प्राचीन मित्र है, पर आजकल क्या करें भाई समय के परिस्थिति के अनुसार सब लोग क्या है कि लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाता। हमारा मड़ई का फुग्गा और साथ ही चलते हैं सबसे पहले हम घर की ओर, तो हम पूनम गिफ्ट करते हैं। कौन उन्होंने आवास आया हो रही है कब आया निकल आया अभी नहीं तेरा नहीं दे रहा था ठीक है बाबू भैया 450। तो हमने अब मार्केट ही बहुत किया महिला यहाँ का और आई ये दुकान में और एक एक किलो से ज़्यादा कम से कम रजाई खरीदी तो गाइस 1.5 किलो। तो दोस्तों लगभग ये पड़ा 400 रुपये में, तो सही माल है वैसे। तो गाइस चलते हैं हम सबसे पहले क्योंकि दोस्तों टाइम भी हो चुका है यार। साथियों आज का वीडियो ऐसा रहा हमारा जो कि आप लोगों को पूरे हम मेला घूम के दिखाया और किस तरह से लगा। तो साथियों समय को मद्देनज़र रखते हुए हमने वीडियो को यहीं से स्टार्ट किए थे और यहीं एंड करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।